कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो इफ्तिताह रोड का काम शुरू होने जा रहा है, हमने मालेगांव कारपोरेशन के कमिश्नर से मालेगांव शहर में और उसके आसपास ऐसी 10 से 12 रोड मंजूर करवाई, क्योंकि 2.5 साल से प्रशासक है इस शहर में, हम लोग किसी बॉडी में है नहीं। इलेक्शन अब करीब आ रहा है, इसलिए अभी टेंडर हुआ और अब काम शुरू कर रहे हैं, कल भी कुछ जगह काम शुरू करने वाले हैं। मगर हमने एक कोशिश जरूर की कि हम जिस वार्ड में रहते हैं, चुन के आते हैं, वहाँ पर भी हमने काम दिया, तो जो बहुत ज़रूरी काम था वही दिया। हमने ये कोशिश नहीं की कि ठेकेदारी की नियत से कोई काम करें। अगर आप देखेंगे ये सामने की रोड, तो इसकी हालत आप देख लो कैसी है, यहाँ पर ज़रूरत है। मगर शहर में जो लीडरान 25 साल से हैं, उन्होंने एक ही कोशिश की कि वो अच्छे ठेकेदार कैसे बन जाएं। उन्होंने शहर को बनाने के लिए, शहर में कोई अच्छा काम हो, शहर की ज़रूरत के लिए काम हो, इसकी कभी कोशिश नहीं की। मैंने ये भी देखा है कि काम जिसको आम जबान में सुझाना बोलते, जब काम सुझाने की बात होती है तो ये कोशिश की जाती है कि कौन सा ऐसा काम दे जिसमें ज़्यादा रुपया पैसा बचेगा, काम कम से कम मटेरियल में हो जाएगा और ज़्यादा रुपया पैसा बचेगा, ऐसा काम देने की कोशिश इस शहर के लीडरान ने की। और यही वजह है कि करोड़ों अरबों का ऐलान माजी एमएलए और आज के मौजूदा एमएलए ने इस शहर में किया, मगर जब भी एक बारिश अगर भरपूर हो जाती है तो मालेगांव की 70-80% रोड की हालत शहर के सामने हो जाती है। हमने ये कोशिश नहीं की कि ऐसी जगह काम दे जहां पर हमको कोई रुपया पैसा या ठेकेदार रुपया पैसा ज़्यादा कमाने की वो करे। हमने जो 10-12 रोड मंजूर आज कमिश्नर से करवाया, वो सब रोड की हालत जो आप सामने देख रहे हैं ऐसी है, कल भी कुछ जगह पर इफ्तिताह है, मगर ज़रूरत जो है बुनियादी आवाम की, वो ज़रूरत का ख्याल रखना, यही तरीका हमारा रहा है और आगे भी यही तरीका हमारा रहने वाला है कि काम इस शहर में प्लान और ज़रूरत के हिसाब से करना चाहिए। अगर प्लान और ज़रूरत के हिसाब से काम होता तो मालेगांव शहर की 80% सड़कें अच्छी होती। आज 20% सड़कें चलने के काबिल है और 80% सड़कें बेकार हैं। हम आज यहाँ जो रोड का इफ्तिताह कर रहे हैं और जिन लोगों ने ये इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा है, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर ये काम कोई हम उनके ऊपर एहसान करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये उनकी ज़रूरत थी, इसलिए हमने कोशिश की और अल्लाह ने इसमें कामयाबी दी और आज इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। शुक्रिया। इलाके के जिम्मेदार और आप तमाम साथियों, इस इलाके में आना या ख़ास बात यह है कि इलेक्शन के अयाम में लोग ऐसे इलाकों में घूमते हैं जहां से वोट मिलेगी या अपने इलाका हो। ये ऐसा इलाका है जो मालेगांव शहर के सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर है, लेकिन यहां काम करना हमारे लिए खुशी की बात है कि यहां जो हमारे पुराने साथी हैं, आज हम समाजवादी में शामिल हुए। समाजवादी ख्यालात के हम लोग पहले से थे साथी, निहाल अहमद साहब भी थे, लेकिन ये लोग जो हैं, मैं हमेशा इन लोगों को बोलती हूँ, सलाउद्दीन भाई हो, वसीम भाई हो, चाहे नफीस भाई हो, इन लोगों को ये बोलती हूँ, तुम लोग ओरिजिनल समाजवादी पार्टी के हो, हम लोग बाद में आए, इसलिए इनका काम सुनना और करना हमारे लिए खुशी की बात होती है। बेलोस दोस्त हैं असीम भाई के, अखिलेश यादव साहब के। जब मालेगांव शहर में किसी तरह भी समाजवादी पार्टी की लीडरशिप नहीं थी, जब भी वो एक सोच और फिक्र के साथ लगे हुए थे और मुसलसल वो लोग कोशिश करते रहते हैं कि मालेगांव शहर में समाजवादी पार्टी का नाम हो और इलाकों में काम हो। ये इलाका मालेगांव सेंट्रल से अलग है, लेकिन जैसा कहा जाता है कि मोमिन
पूरी आलम का मोमिन एक जिस्म की तरह है, अगर किसी एक को तकलीफ होती है तो पूरे एक हिस्से को जिस्म की तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। ये तो मालेगांव शहर का एक हिस्सा है, अगर यहाँ के लोग परेशान है तो जाहिर सी बात है कि हमको भी दुख होता था। हमारी ताकत जितनी थी हमने वो काम करने की कोशिश की। यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ लिखा है मदीना बाग, बाग मदीना। हैरत की बात है कि ऐसी मुकद्दस जगह के नाम से ये इलाका बना है, जहाँ के नाम और जहाँ जिंदगी, जो एक बार मदीना देख लेना या मदीने की मौत नसीब होना लोग दुआ करते हैं, लेकिन उस इलाके का ये हाल है कि वहाँ गंदगी है, कीचड़ है, चलने के लिए जगह नहीं। और मालेगांव शहर में कारपोरेशन में और असेंबली में ऐसे नुमाइंदे हैं जो कहीं ना कहीं मदीना को मानने वाले हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने इस इलाके के नाम की इज्जत नहीं रखी। ये बहुत दुख की बात है। हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में भी कि इस इलाके को बेहतर बनाने के लिए। और मालेगांव शहर का ये एक ऐसा इलाका है जो अभी शामिल हुआ है कुछ वक्त पहले मालेगांव कारपोरेशन में, नया बसा हुआ इलाका, इसके बावजूद भी यहाँ कोई नियोजन नहीं था काम करने का। ऐसा होता है कि पहले रोड बन जाती है, बाद में गटर बनती है, सिर्फ ठेकेदारी की नीयत से काम होता है, कोई मनसूबाबंदी से काम नहीं होता। खास तौर पे इलाके के लोग जिनका ये कारपोरेशन कर रही है, तो कारपोरेशन के बाप का पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है जो टैक्स हम देते। अगर काम दुरुस्ती सही नहीं होती, हमारा पैसा खर्च होता है, तो हमारा फर्ज है कि उस काम की क्वालिटी देखे, उस काम की मनसूबाबंदी देखे, क्योंकि अगर ये काम सही नहीं होगा तो फिर होगा और हमारा ही पैसा खर्च होगा। जिस तरह अपने घर में अपन कोई चीज की मरम्मत करते हैं और वो गलत होती है तो आगे के सालों पहले का अपन उसमें मनसूबाबंदी करते हैं, आगे जाके तकलीफ ना हो, तो वैसे ही अगर अपने इलाके में काम हो रहा है तो अपना खुद का पैसा है ये समझ लो, हमारे टैक्स का पैसा है, तो उसका अच्छा काम होना चाहिए ताकि आगे जाकर वो दोबारा खराब ना हो और दोबारा हमारा टैक्स उसमें जाया हो। इसलिए जरूरी है कि शहरियान जो है वो तवज्जो दे, मनसूबाबंदी के साथ काम होना चाहिए। आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ बुलाया, हमारी इज्जत अफजाई की। मैं उम्मीद करती हूँ जैसा अतर चचा ने कहा कि आने वाले 18 तारीख को यहाँ पर अखिलेश यादव साहब आने वाले हैं, आप सब अपने इलाके के लोगों को लेकर आए ताकि जिस तरह उन्होंने बीजेपी का रथ यूपी में रोका और उनको फक्र है कि वहां से उन्होंने 37 सीटें लाई और हिंदुस्तान में बीजेपी की जो मस्ती थी उसको कम किया, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मालेगांव शहर इस तरह उनका इस्तकबाल करे कि आने वाले दिनों में जिस तरह एक वक्फ का कानून आया और वो ये सोचते हैं कि यूपी के मुसलमानों ने वोट दिया तो उनको ये भी याद रहे कि मालेगांव के मुसलमानों ने मेरा इस्तकबाल किया, ऐसा इस्तकबाल करे उनका कि वो भी फख्र महसूस करे। और जहाँ वो यूपी के लोगों का, सेकुलर लोगों के बारे में सोचते हैं, वहाँ मालेगांव के इस्तकबाल को भी याद रखे। उनकी हौसला अफजाई के लिए आप तमाम लोग अजीज कल्लू स्टेडियम में 6:30 बजे से जो 9 बजे तक, 9:30 बजे तक हमारा जलसा है उसमें शामिल हो, और एक जो सच्चे सिपाही है जिसने संविधान को बचाने की कोशिश की उसमें आकर उनकी हौसला अफजाई कीजिए। आने वाले इस महिला बाग मदीना के आसपास जितने लोग जमा हैं आज यहाँ पर, समाजवादी पार्टी के युवा नेता मुस्तकीम डिकनेडी साहब और हमारे आने वाले मुस्तकबिल की MLA शान हिंद साहिबा यहाँ पर हाजिर तमाम अहबाब, दरअसल ये एक छोटा मोटा सा प्रोग्राम है लेकिन बहुत अहम प्रोग्राम है। आज जो MLA है, जो उनकी हदवाड़ है, वो उसमें काम नहीं कर पा रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर मुस्तकीम जो काम करने आया है, आज ये किसी ओहदे पे, किसी मनसब पे नहीं है, लेकिन वो साबित करना ये चाहते हैं और उन्होंने साबित करके दिखाया कि अगर इंसान के अंदर अपनी मिल्लत का, अपने शहर का, अपने लोगों का दर्द है, उनकी तकलीफ का एहसास है, तो वो कहीं भी जाकर अपनी जद्दोजहद और अपनी कोशिश से काम करवा सकते हैं। कोई काम बड़ा नहीं है, अगर करने वाला दिल पर ले ले तो कोई भी काम बड़ा नहीं है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी मुद्देबाना गुजारिश करूँगा कि आने वाले दिनों में असेंबली का चुनाव है,
आप देख रहे हैं कि माजी आमदार और आजी आमदार किस तरह की सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे की जातियात पर, एक दूसरे के मामलात पर। और जैसा कि युवा नेता मुस्तकीम ने कहा कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर लीडर ये देख रहा है कि ठेकेदारी में उनको कितना मुनाफा मिल सकता है। बल्कि हमने तो बहुत करीब से देखा है कि इनके ठेकेदार जो है वो दो दो फार्म हाउस के मालिक हो गए। बल्कि मेरी मालूमात में है कि इनका जो सबसे करीबी ठेकेदार है वो दो फार्म हाउस का नहीं बल्कि दो तीन औरत भी उसकी हो गई। तो ये लोगों की इस तरह की सियासत गंदी है। हमें एक बहन को, एक अपनी बेटी को जो शहर का दर्द समझती है, और गृहस्थी में हमारे अपने घरों में अगर हमारी बहन हो, बेटी हो, घर की बहू हो, वो जिस अंदाज में अच्छी तरह से घर का निज़ाम संभाल लेती है तो पूरा घर जन्नत बन जाता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में शान हिंद साहिबा मालेगांव की शान बनकर उभरेगी। इसका साथ देना हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी बहन है, आपकी बेटी है, और आपके बलबूते पर। निहाल साहब हमेशा बोलते थे और आज शान हिंद साहिबा भी बोलती है कि पूरी समाजवादी पार्टी के वर्कर मेरे अपने लोग हैं, मेरा कुंबा है, मेरी फैमिली है। तो आप समाजवादी पार्टी से जुटेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि आप वर्कर हैं, बल्कि आप ये समझेंगे कि इस MLA का मैं भाई हूँ, भतीजा हूँ, दोस्त हूँ, या इस घर का मैं एक जिम्मेदार हूँ। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 18 तारीख को BJP जैसे फिरका परस्त की ताकत दिल्ली में रोकने का सबसे बड़ा काम करने वाले अखिलेश यादव साहब है। वो UP से चलकर हमारे अपने मालेगांव इलेक्शन जीतने के बाद पहली बार वो सफर कर रहे हैं, तो मालेगांव को उन्होंने अव्वलियत दी है, हम मेज़बान हैं। और यूपी से, दिल्ली से चलकर जो लोग आ रहे हैं, हमें उनकी मेहमान नवाजी करना है। अजीज कल्लू स्टेडियम में जुमा के दिन 6 बजे से रात 9:30 बजे तक समाजवादी पार्टी का एक तारीखी जलसा हो रहा है। उसमें इंशाअल्लाह ताला बहुत उम्मीद है कि इकरा हसन भी साथ आएगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग उस जलसे में ज़रूर शामिल होकर उस